हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्लू प्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा मैं हूं आपका विज्ञान का टीचर। क्लास 10 का साइंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बेटा साइंस में हमने रसायन विज्ञान प्रारंभ किया था लास्ट क्लास में, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान का उसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण भाग वन। उसका मैं आपको करा चुका हूँ। भाग वन में जो टॉपिक हमने पढ़े, हमने देखा कि अम्ल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि क्षारक क्या होते हैं, थर्ड टॉपिक हमने कवर किया था इंडिकेटर मतलब सूचक क्या होते हैं, और लास्ट टॉपिक हमने भाग वन में देखा था कि जो अम्ल और क्षारक होते हैं उनके जो रासायनिक गुण हैं, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होते हैं। इस भाग में बेटा हम फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कि जो पीएच मान होता है उसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या उसका क्या महत्व होता है, और सेकंड टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलेंगे लवण, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट, और ये जो लवण होते हैं ये होते क्या हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है। तो बेटा आपको अपने रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठना है, चीज़ों को टाइम टाइम पर वीडियो को पॉज करके फोकस के साथ नोट करते जाना है। आइए शुरू करते हैं भाग सेकेंड। देखो टॉपिक रहेगा पीएच मान के दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच मान मैंने बताया था कि एक पीएच स्केल होता है और उस पर हम ये बताते हैं कि जो हमारे कुछ यौगिक हैं या कुछ रसायन हैं उनके पीएच का मान कितना है, वहां से पता चलता है हमें कि वो जो अम्ल या क्षारक है वो कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। बेटा अब ये पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व, इससे मतलब ये है कि कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं है ना, जो या तो उनकी प्रकृति हमारी अम्लीय होगी या क्या होगी, हमारा वो क्षारीय होगी, और उनका जो इम्पैक्ट है हमारे डेली लाइफ पर पड़ता है। अब कौन कौन से इसके बेटा उपयोग है या महत्व है। पहला उपयोग देखो, जो हमारा शरीर होता है तो बेटा शरीर का खुद का पीएच मान होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे शरीर में मैंने बताया था बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही होती हैं, कुछ जैव अभिक्रियाएं हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो उन अभिक्रियाओं को सही रूप से होने के लिए एक पीएच मान का परास होना जरूरी है, वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के अंदर होंगी है ना। अगर हमारे शरीर का पीएच मान उससे कम या ज्यादा हो गया तो शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया या जैविक अभिक्रिया हो रही होती है तो वो उनसे प्रभावित हो जाती है, तो उन सभी अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए एक शरीर का एक निश्चित पीएच मान होना जरूरी होता है। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 7.8 बेटा ये पीएच परास है, पीएच रेंज है ना। इस रेंज में अगर हमारे शरीर का पीएच मान रहेगा तो हमारे शरीर में होने वाली सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचयी अभिक्रिया जो है वो सुचारू रूप से होती रहेंगी, और अगर इससे कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर को मतलब थोड़ी समस्या हो सकती है। तो आपको ये बिल्कुल डेटा ध्यान रखना है कि 7 से 7.8 हमारे शरीर का पीएच मान होता है, जो सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको एक तरीके सुचारू रूप से पूर्ण कराने के लिए। सेकंड बेटा जो आपको पढ़ना है, देखो सेकंड जो चीज हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में, तो सेकंड टॉपिक रहेगा अम्लीय वर्षा। देखो अम्लीय वर्षा होती क्या है, अम्लीय वर्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। अब नाम में मतलब वर्षा है और साथ में अम्ल भी आ रहा है, यानी कि ऐसी कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे आएगा कि जहाँ पे वर्षा का जो पानी है वो थोड़ा अम्लीय हो गया है। अब समझो बात ध्यान से कि जो अगर वर्षा का जल, बेटा जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनना आपको, कि जो वर्षा का जल होता है अगर उसके जल का पीएच मान, अगर उसके जल का बेटा क्या पीएच मान जो है वो 5.6 है ना, 5.6 से कम हो गया, 5.6 से कम हो गया तो वो जो वर्षा होगी वो हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो कोई आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आपको समझाना है कि अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया है तो ऐसी वर्षा को हम बेटा क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अभी अम्लीय वर्षा कैसे होती है हमें देखना है, और इसके इम्पैक्ट क्या है हमारी डेली लाइफ पर उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो ये जो अम्लीय वर्षा है उसके लिए जो जिम्मेदार है ना, जो चीज रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो हमारे बेटा कुछ गैसेज है ना। गैसेज कौन कौन सी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी, SO2 के बारे में और NO2 के बारे में, और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तीन गैस जिम्मेदार है बेटा अम्लीय वर्षा के लिए। एक तो गैस जिम्मेदार उसको बोलते हैं कौन सी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरी आएगी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और तीसरी आती है बेटा कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तीनों की तीनों गैसें हमारा मतलब प्रदूषण की वजह से पर्यावरण में आ जाती हैं, और जो ये दोनों ऊपर वाली गैसें हैं NO2 और SO2, ये आपको अधिकतर वहां पर देखने के लिए मिलेंगी जहां पर पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, जहां पर पेट्रोलियम का एक समझो आप के संशोधन किया जाता है, और पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल और ये मतलब है ना ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह बनाया जाता है, तो उस स्थान को बोलते हैं हम पेट्रोलियम रिफाइनरी। जैसे हमारे यहाँ पर मथुरा में और आगरा के आसपास में है,
तो जहां जहां पेट्रोलियम रिफाइनरी होंगी बेटा, वहां का जो पर्यावरण होगा, वातावरण होगा, वहां पर ये गैसें मिलेंगी ज्यादा, कौन कौन सी, NO2 और SO2। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कि ट्रैफिक की वजह से या जो फैक्ट्री लगी होती है उनमें से जो मतलब गैसेस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर आ जाती है। तो ये तीनों गैस हमारा किसके लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अब वातावरण में सपोज वो तीनों गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो मतलब क्या आ रहा है, जल आ रहा है, H2O आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, H2O आ रहा है। तो ये जल इसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा बेटा और क्या बनाएगा, कुछ अम्ल बनाएगा। जैसे एक अम्ल बनेगा बेटा HNO2 और दूसरा अम्ल बनेगा यहाँ से HNO3। तो दो अम्ल का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल, और इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक अम्ल, यानी कि नाइट्रिक एसिड। मैं जो नाम बोल रहा हूँ आपको वो नोट करते जाना है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी ये भी एक जल, एक अम्ल का निर्माण होगा और उसको बेटा बोलते हैं H2SO3, और उसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। एक होता है सल्फ्यूरिक H2SO4 और एक होता है बेटा H2SO3, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। जो मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं प्लीज, ये है सल्फ्यूरस अम्ल, और देखो ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल, और ये जो है ये, इसको बोलते हैं नाइट्रस, नाइट्रस अम्ल। और बेटा यहां देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलेगी, अभिक्रिया करेगी, ये भी एक अम्ल का निर्माण करती है, और उस अम्ल को बोलते हैं बेटा H2CO3, ये उसका सूत्र होता है, और नाम होता है इसका कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम होता है बेटा कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल। तो हो सकता है आपसे ये यौगिक जो है अम्ल, जो जो मतलब क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति के हैं, इनका नाम देते और आपसे सूत्र पूछ ले, या सूत्र देते आपसे इनका नाम पूछ ले, तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से नोट करना है और फिर उसको याद भी करना है। अब समझ रहे हो बात, कि ये सारी गैसेस इस जल के साथ अभिक्रिया कर ये सारे क्या बना रही है, ये बेटा अम्ल बने हैं। और ये जब अम्ल मतलब यू नो पानी के साथ मिल जाएंगे या नीचे आएंगे बारिश के साथ, तो वो जो वर्षा होगी या वो क्या हो कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अब ये पानी जो है जमीन पर आया है ना, वहाँ पेड़ पौधों पर आएगा या इमारतों पर गिरेगा, तो वो क्या कर देगा, उसको संचारित करेगा या उससे मतलब प्रभावित होंगे, ठीक है बेटा। और ये पानी फिर जो है नदियों में मिल जाएगा, और फिर नदी का जल जो है वो भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जो नदी की, नदी का जो जलीय जीवन है, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं या वहां पर जो एक तरह से मछलियां फिश वगैरह रह रही हैं, तो उनका जीवन उससे बेटा बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो अम्लीय वर्षा के हमारे जीवन में मतलब एक तरीके से मतलब हार्मफुल है, ये हमारे लिए हानिकारक है। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है उस वो संगमरमर का बना है, और संगमरमर का जो रंग है वो बिल्कुल सफेद होता है ना, लेकिन ताजमहल का रंग पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा पीला पीलापन आ गया है उसके ऊपर। तो वजह क्या है, उसकी वजह है अम्लीय वर्षा, क्योंकि आगरा में ताजमहल है और आगरा के पास मथुरा पड़ता है, वहां पर कुछ पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी की वजह से वातावरण में गैसेस बन जाती हैं, अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल का सफेद रंग थोड़ा पीला हो गया है। तो बेटा ये हमने देखा है कि pH मान का दैनिक जीवन में उपयोग, और इन इमारतों पर अम्लीय वर्षा के कारण वो जो किसान खेती करते हैं तो उनकी जो मिट्टी है, मिट्टी का भी pH मान होता है, ठीक है बेटा। तो तीसरा उपयोग जो होगा pH मान का, वो होगा मिट्टी का पीएच मान। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अच्छी पैदावार के लिए एक जो आदर्श मिट्टी होती है, अच्छी पैदावार आपको चाहिए, तो अच्छी पैदावार के लिए आपको एक अच्छी मिट्टी का होना जरूरी है ना। तो आदर्श मिट्टी जो होती है बेटा, उसका अपना पीएच मान होता है। आदर्श मिट्टी का पीएच मान जो है वो 5.5 से लेके बेटा 7.5 के बीच में रहता है, इस परास में रहता है वो, ठीक है, इस रेंज में रहता है। अगर इससे कम हो गया तो मिट्टी बन जाएगी अम्लीय, और इससे ज्यादा हो गया तो मिट्टी बन जाएगी क्षारकीय। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर मिट्टी का पीएच मान इस रेंज में है तो फसल हमारी अच्छी होगी, मतलब पैदावार फसल की अच्छी होगी, और अगर इससे मतलब कम या ज्यादा हो गया तो वो फसल की पैदावार पर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट एक तरीके से गलत होता है। तो ये हमें टाइम टाइम पे चेक करते रहना पड़ता है, और जितनी अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है तो हर एक मिट्टी का अपना पीएच मान क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिट्टी का जो है पीएच मान वो किस रेंज में रहना चाहिए, किस परास में रहना चाहिए, तो आपको याद रखना है 5.5 से लेकर 7.5, 5.5 से 7.5 के बीच में वो रहना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं, और खाना हमने खाया है तो सपोज करो कि वो उसमें शुगर है, शर्करा है, मीठा है ना, तो मीठा जो है उसके कुछ कण जो है अवशेष हमारे मुंह में रह जाते हैं ना,
तो मुंह में जब रह गए हैं तो वहां पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस मीठे को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान सुनना बात, मैं कह रहा हूँ कि आज पढ़ना में ये है कि हमारे मुंह का पीएच मान है ना, मुंह का पीएच और किस तरीके से हमें ये मतलब प्रभावित करने वाला है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे मुंह का पीएच मान वो बेटा 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो गया है, ठीक है, 5.5 से कम हो गया है, तो वहां पर इसका मतलब समझ जाना कि उस टाइम जो मुंह के अंदर माध्यम है अब वो कैसा हो गया है, अम्लीय माध्यम माध्यम बन गया है। मतलब मुंह में अब जो है वो जो नेचर है उसका वो हमारा कैसा हो गया, अम्लीय हो गया है। अब वो अम्लीय चीज क्या करने वाली है, मतलब अम्ल बन गए हैं वहां पर, और ये अम्ल बने कैसे हैं, बैक्टीरिया ने बनाए हैं मीठे के साथ, यानी उस मीठे को परिवर्तित कर दिया है अम्ल में बैक्टीरिया वगैरह ने। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। अब होगा क्या बेटा, हमारे जो दांत होते हैं ना, दांत जो है उनका जो आउटर कवरिंग होती है, सबके बाहर वाला जो सरफेस होता है उसको हम इनेमल कहते हैं, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक चीज आएगी, इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम दिया गया है, इनेमल, ENAMEL। इनेमल क्या होता है, दांतों का जो हमारा आउटर कवरिंग है, जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र होता है उसको इनेमल कहते हैं। इनेमल हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और इनेमल जो है वो बना होता है किसका बेटा, कैल्शियम और फोस्फेट का बना होता है, कैल्शियम और फोस्फेट का बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर NTSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 बार, NTSC एग्जाम होता है जो एक मतलब समझो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है, स्कॉलरशिप एग्जाम है ना, आपने सुना होगा। तो उसमें साइंस और GS वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो इनेमल है वो हमारा किन पदार्थों का बना होता है, तो आपको ध्यान देना है कैल्शियम और फोस्फेट का बना होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मतलब अम्लीय माध्यम हो गया है हमारे मुंह में, मतलब अम्ल 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 ज्यादा हो गए, तो ये इनेमल जो है बेटा वो संक्षारित होना शुरू हो जाता है, कोरोजन होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। इनेमल जो है जल में अघुलनशील होता है, हम पानी पीते हैं, पानी पियेंगे तो ये नहीं, आपने सुना होगा कि जो इनेमल है दांत है वो घुल पानी में घुल गए हैं, लेकिन पानी में तो ये अघुलनशील है, लेकिन अगर अम्लीय माध्यम हो जाएगा तो वहां पर ये गलना शुरू कर देते हैं और हमारे दांत जो है, दांतों का बेटा क्षय हो जाता है, उसको बोलते हैं दंत क्षय, उसको नाम दिया जाता है दंत अक्षय या दंत क्षय। तो क्वेश्चन पूछता था कि दंत क्षय किसके कारण होता है, तो दंत क्षय हमारा बेटा अम्लीय माध्यम के कारण होता है जो मुंह में बन गया है। और कब होगा ये दंत क्षय होना, कब प्रारंभ होगा, जब मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाएगा। हमें बात समझ रहे हो यहाँ तक, इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ये अम्ल ना बन पाए हमारे मुंह में, इसलिए हमें बताया जाता है कि आपको दंत मंजन करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारक प्रवृत्ति का होता है और वो क्षारक जो है उस अम्ल को उदासीन कर देगा, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है बेटा। तो एक एक अच्छी आदत होती है कि खाना खाने के बाद या सोने से पहले आपको शाम को मतलब टूथपेस्ट या दंत मंजन करना चाहिए, जिससे कि ये अम्ल वगैरह ना बन पाए और आपके दांत जो है वो स्वस्थ रहें। देखो आपने देखा होगा कि मधुमक्खी है या चींटी है ना, वो काट लेती है तो हमारे शरीर में जलन होती है ना, तो जो हानिकारक हानिकारक कीट होते हैं, या कुछ बेटा पौधे भी होते हैं, मैं पौधों के बारे में बताऊंगा, हानिकारक कीट एवं पौधों के रसायन से सुरक्षा। देखो ये क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर कुछ जैसे ततैया होता है ना, और आ, आ, हनी बी मतलब मधुमक्खी होती है, या फिर चींटी होती है, उनके काटने पर क्या होगा हमारे शरीर में बेटा, एक अम्ल जो है वो क्या अम्ल छोड़ते हैं, डंक के द्वारा एक अम्ल का प्रवाह होता है, और वो अम्ल जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो आपको ध्यान देना है, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ चींटी का, है ना, चींटी जब काटती है तो उसके डंक में क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं इसको हिंदी में, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसको मैथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, या मैथेनोइक अम्ल, है ना बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा तो इससे क्या होता है, जलन होनी प्रारंभ हो जाती है ना। तो चींटी के डंक में जो अम्ल होता है उसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल या फार्मिक अम्ल, और दूसरा नाम क्या होता है उसका, मैथेनोइक एसिड या मैथेनोइक अम्ल। अब इसको आपको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। अब न्यूट्रल करने के लिए आप उदासीन करना मतलब उसके प्रभाव को खत्म करना चाह रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, क्षारक चाहिए। तो आपको बेटा एक क्षारक चाहिए इसको उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। अब उदासीनीकरण के लिए क्षारक जो होगा बेटा
वो ध्यान देना है वो प्रबल प्रवृत्ति का ना हो, वो स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए, वो दुर्बल होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो आप प्रबल लेकर आ गए तो वो खुद अपने आप में क्या होगा, वो जलन पैदा कर देगा आपके शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्षारक लाओगे आप, क्षारक उदासीन करने के लिए जो लाओगे वो दुर्बल होना चाहिए, प्रबल नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया था घरों में रखा होता है खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा। अब ये खाने का सोडा होता है बेटा अपने आप में ये क्षारक होता है, और अगर चींटी ने जहाँ काटा है वहां पर हम उसको मसल देंगे या रगड़ देंगे तो उसका असर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया एक मतलब कीट के बारे में। एक पौधा होता है, आपने नाम सुना होगा नेटल, नहीं सुना तो याद कर लो कि नेटल एक पौधा होता है। पौधा जो है मतलब वहां पर क्या होगा कि बाल जैसी आकृति के वहां पर डंक होते हैं उसके, है ना। तो आपको नाम ध्यान रखना, पहले तो नेटल की बात कर रहा हूं मैं, नेटल। तो नेटल क्या है, एक पौधा, और उस पर क्या है, बाल है, और बाल बेटा वो एक तरह से डंक का काम करते हैं। और अगर ये शरीर के संपर्क में आ गए तो ये भी क्या होगा बेटा, फॉर्मिक अम्ल। इनमें भी क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ये फार्मिक अम्ल जो है शरीर में आ जाएगा, सेम काम होगा, वहां पर जलन होगी। अब अगर आप जंगल में घूम रहे हो वहां पर नेटल पौधे के संपर्क में आप आ गए हो और वहां जलन होगी आपके शरीर में, क्योंकि फार्मिक अम्ल आपके शरीर में आ गया है। अब ये तो है नहीं कि आप मतलब खाने के सोडे को आप जेब में रख के घूम रहे हो कि मतलब, है ना। तो वहां पे क्या होता है, प्रकृति की देन है कि जहां पर नेटल का पौधा मिलेगा उसी के बिल्कुल पास में, उसी के नजदीक में, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, दूसरा पौधा मिलेगा, उसको बोलते हैं डाक का पौधा। उसे क्या बोलते हैं, डाक का पौधा। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दो वर्ड आपको सीखने हैं, एक का नाम है नेटल, एक का नाम है डाक। डाक का पौधा होगा, उसकी पत्तियां होंगी बेटा, तो पत्तियों को आपको क्या करना है, तोड़ना है, और पत्तियों को तोड़कर जहां पर ये लगा है, जहां पर जलन हो रही है वहां पर आपको रगड़ देना है, और तो इसका जलन खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जो है क्या कर रहा है, एक तरह से इसको उदासीन कर रहा है। तो ये दोनों चीज साथ साथ में मिलती हैं, नेटल का पौधा आपको जलन करेगा और उस जलन को खत्म करने के लिए वहां पर डाक का पौधा मिलेगा, और डाक का पौधे की पत्तियां न्यूट्रलाइजेशन का काम करती हैं। तो बेटा इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से पीएच मान जो है हमारे दैनिक जीवन को एक तरीके से इम्पैक्ट करता है या उसका क्या महत्व है। सेकंड टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम, उसको बोलते हैं लवण। लवण हम देखेंगे लवण क्या होता है, और लवण को कैसे बनाया जाता है, और लवण के प्रकार, कितने प्रकार के लवण होते हैं। बेटा लवण को हम कहते हैं इसमें सोल्ट। अब लवण है क्या, तो लवण कोई पूछे एक वर्ड में बताओ तो ये आपको कहना कि लवण हमारे यौगिक होते हैं। बेटा लवण क्या होंगे, यौगिक मतलब कंपाउंड है, जो दो या दो से ज्यादा पदार्थों को या तत्वों को आपस में मिलाने पर बनते हैं, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो या दो से ज्यादा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनसे जो चीज बनेगी उसे क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या होंगे बेटा, ये होते हैं यौगिक। अब यौगिक कैसे होते हैं, ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो एक हमारा होता है बेटा अम्ल, एक क्या होता है अम्ल। अब जो भी हमारा अम्ल होगा उस अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा या हाइड्रोजन का परमाणु होगा। सुनो बात ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, तो अम्ल का जो बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा ही होगा। और अगर क्या हो रहा है, अम्ल का हाइड्रोजन आयन वो विस्थापित हो गया है, वो क्या हो गया बेटा, विस्थापित हो गया है, हट गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और विस्थापित किसने करा है, धातु आयन ने, धातु आयन ने, धातु आयन ने। तो जो आपको यौगिक मिलेगा उस यौगिक को बेटा मैं क्या बोलने वाला हूँ, लवण बोलने वाला हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यौगिक लवण ऐसे यौगिक होते हैं, लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो अम्ल के हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करने पर बनते हैं। और कौन विस्थापित करेगा बेटा उसको, धातु के आयन विस्थापित करने वाले हैं। देखो एग्जाम्पल समझो, आप जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास बेटा एक अम्ल है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है उसका हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन का परमाणु। और आपने इसकी अभिक्रिया किससे कराई है, किसी धातु से कराई, आपने किससे कराई है, किसी धातु से कराई। अब ये धातु जो होगी, ये धातु का आयन जो होगा वो क्या कर देगा बेटा, इस H को हटा देगा, इस H को विस्थापित कर देगा, और क्या बनने वाला है यहाँ से, ये Zn खुद साथ में आ जाएगा इसके, और ये क्या बन जाएगा, ZnCl2, और साथ में बेटा H2 अलग हो जाएगी। तो ये जो चीज आई है इसको बेटा क्या बोलता हूँ मैं, लवण कहता हूँ। तो लवण कब बनेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लवण जो है बेटा, अगर अम्ल का हाइड्रोजन आयन विस्थापित कर दिया है किसी धातु आयन ने, तो वहां से आपको जो यौगिक प्राप्त होगा उसी यौगिक को मैं क्या बोलता हूँ, लवण कहता हूँ। ये इसकी बिल्कुल सही परिभाषा है।
या बहुत आसान शब्दों में दूसरी परिभाषा भी कह सकता हूँ आपसे कि जब जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहां से आपको लवण प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन ये उतनी सही नहीं है जितनी सही ये जो पहली वाली मैंने आपको बताई है ये है। तो आपको यही ध्यान देना है कि लवण क्या होते हैं, लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो अम्ल के हाइड्रोजन आयन को अगर धातु आयन से विस्थापित कर दिया जाए उसके बाद बनते हैं। तो बेटा ये था हमारा लवण। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि लवणों का निर्माण, नेक्स्ट हेडिंग है कि लवणों को बनाएंगे कैसे। तो बेटा हेडिंग लिखो लवणों का निर्माण, है ना। तो बेटा देखो कई तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अभी मैंने जो सेंटेंस यूज किया था वो ये था कि आपको अम्ल के हाइड्रोजन को हटाना है किसी धातु द्वारा। अब धातु कहाँ मिलेगी, या तो धातु अपने आप में स्वतंत्र रूप में है, या धातु आपको कहाँ मिल सकती है, धातु ऑक्साइड में मिल सकती है, या धातु आपको धातु कार्बोनेट में मिल सकती है, या धातु आपको धातु हाइड्रोक्साइड में मिल सकती है ना। इतनी जगह आपको धातु मिल सकती है, और एक जगह धातु और मिल सकती है वो है हमारे क्षारक। जितने भी क्षारक होते हैं देखो ध्यान सुनो, क्षारक हमारा ये क्या है, NaOH, ये क्या है, क्षारक है। एक इसी तरीके से हमारा हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना बेटा, ये भी क्या है, क्षारक है। तो ये क्षारक हैं, और यहाँ पर देख रहे हो कैल्शियम सोडियम ये क्या है, सारी धातु। तो आपको यही उसी टॉपिक पर रहना है कि धातु जो है हटाएगी अम्ल के परमाणु को, और कौन से परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को, और तब वहां से आपको क्या मिलने वाला है, लवण प्राप्त होने वाला है। तो पहली विधि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि अगर अम्ल जो है बेटा वो अभिक्रिया कर जाए, अम्ल की किससे अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट धातु से करा रहा हूँ, अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अब अम्ल की धातु से अभिक्रिया होगी, सपोज करो कि आपके पास अम्ल बेटा कौन सा है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और धातु यहां पर आपने कौन सी ली है, कैल्शियम ले ली है ना। अब ये अभिक्रिया करेगी इसके साथ, जब धातु इसको हटा देगी ये, तो यहां पर आपको मिलेगा CaCl2, और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बैलेंस कर लेना यहाँ पर, दो लगा देना आप, है ना। अब ये जो आपको मिला है ये एक लवण है, नाम है इसका कैल्शियम क्लोराइड। तो इनका आपको नाम बिल्कुल नोट करना है और साथ में याद करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में जो है या तो आपको सूत्र दे देगा उसका नाम पूछेगा, या नाम देगा उसका सूत्र पूछेगा, ठीक है बेटा। तो ये कैल्शियम क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और ले लो, यहाँ से आपने एसिड लिया है H2SO4, और बेटा यहाँ पर आपने धातु ली है जिंक, और जब ये रिएक्शन करेगी तो यहाँ से आपको एक लवण प्राप्त होगा, उसका नाम होगा ZnSO4, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लवण जो है, मतलब अम्ल जो है वो अभिक्रिया किस साथ कर रहा है, धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और ये धातु इन अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा रही है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है ना बेटा। और जो आपको मिल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। इसका नाम था कैल्शियम क्लोराइड और इसका नाम था जिंक सल्फेट। मेरी बात समझ के बेटा, ये अभिक्रिया इस बार आप किससे कराने वाले हो, क्षारक के साथ कराओगे, अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया। सुनो बात ध्यान से, अम्ल मतलब सपोज करो कि मैंने यहां भी क्या ले लिया है, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेटा क्षारक मैंने यहां से क्या लिया है, NaOH लिया है। आप देखो यहां पर ये अम्ल है, इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये क्षारक है, इसमें धातु है, क्या है, धातु। तो ये धातु का आयन इससे अलग हो जाएगा, है ना। अब ये धातु का आयन क्या करेगा, H को यानी हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहां से भी आपको जो चीज प्राप्त होगी उसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं लवण कहूंगा, और साथ में यहां से आपको जल प्राप्त होने वाला है ना। एक एक उदाहरण इसका और ले लेते हैं बेटा। जैसे यहां से बेटा मैंने क्या लिया है, H2SO4 लिया, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहां से बेटा मैंने जो क्षारक लिया है उसको बोलते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है या क्षार है। अब ये भी अभिक्रिया करेगा तो समझो बात के ये जो है पोटेशियम, पोटेशियम बेटा धातु होती है, तो ये इस H को मतलब हाइड्रोजन को हटा देगी, है ना। तो यहाँ से जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, देखो ये जल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जब जब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करते हैं लवण और जल प्राप्त होता है। तो H और OH यहाँ से अलग प्राप्त हो जाएगा, यानी कि H2O बेटा यहाँ से अलग हो गया है, और यहाँ से जो बनेगा उसको बोलते हैं K2SO4, मतलब इसका नाम हो जाएगा बेटा पोटेशियम सल्फेट।
अब इसको बैलेंस कर लेना आप, यहाँ पर के वन है, यहाँ पर दो दो था, तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, टू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी ये अभिक्रिया बेटा मतलब क्या हुई है, संपूर्ण हो गई है, और इसको भी आपको टू करना पड़ेगा। तो ये हमने सेकंड मेथड देखा है कि हम लवण किस तरह प्राप्त कर सकते हैं जब अम्ल जो है किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। हम इस बार अभिक्रिया कर रहा है किसी धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो सुनो ध्यान से, अम्ल हमारा सपोज कर हमारे पास बेटा हमने क्या लिया है, H2SO4 लिया है, और धातु ऑक्साइड हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये लिया Ca, और यह धातु है, धातु किसको हटाएगी बेटा यहां से, हाइड्रोजन आयन को, तो ये बन जाएगा CaSO4, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, और बेटा जल यहां से क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल और लूंगा यहां से, यहां मैं HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, और यहां से बेटा मैंने क्या लिया है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें लेना धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड, ये भी धातु ऑक्साइड। अब ये धातु का जो आयन है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहां से जो लवण मिलेगा आपको MgCl2, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड, और बेटा यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इसको हटा दिया है तो यहां से बेटा आपको जल प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा, यहां पर इसको धो कर देना इसको संतुलित करने के लिए। तो ये हमने तीसरा मेथड देखा है जिसमें हमने देखा कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो वहां से किस तरीके से आपको लवण की प्राप्ति होगी। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। तो बेटा इसमें क्या करोगे आप, आपने कोई भी अम्ल लिया, सपोज करो आपने क्या लिया, HCl लिया है, और साथ में धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट मतलब आपने लिया Na2CO3, है ना, ये सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो ये धातु है, मतलब धातु कार्बोनेट में धातु है, ये धातु H को हटाएगी, ठीक है, तो यहां बन जाएगा बेटा एक हमारा NaCl, ये लवण है अपने आप में, और साथ में बेटा क्या बनेगा, H2O बनेगा, और गैस निकलेगी यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको बैलेंस कर लेना आप, यहां पर 2 लगा देना, और यहां पर क्योंकि 2 आया तो यहां भी क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, इस तरीके से जो समीकरण आएगा वो संतुलित है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इसी में, लास्ट मेथड रहेगा ये कि अगर हम अम्ल की धातु सपोज करो अभी हमने बड़ा धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया, है ना, अभी हम पढ़ने वाले धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, वहां से भी आपको लवण लवण की प्राप्ति होगी। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं सारे मेथड में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि लवण हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि पहले हम लवण अगर हमें बनाना है तो हर एक केस में आपको जो लवण प्राप्त होगा वो एक तरीके कहां से हो रहा है, अम्ल से प्राप्त करा रहे हैं हम। अम्ल की अभिक्रिया हमने पहले कराई किससे, धातु के साथ, फिर हमने कराई धातु ऑक्साइड के साथ, फिर हमने कराई धातु धातु के मतलब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ, और अभी मैंने कराई है मतलब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ बेटा, धातु कार्बोनेट के साथ। अम्ल की अभिक्रिया वो बनाऊंगा धातु हाइड्रोक्साइड के साथ, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ, बस ये लास्ट मेथड रहेगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बेटा पढ़ने वाले हैं अम्ल की धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर सपोज करो बेटा आपने अम्ल लिया है H2SO4, ठीक है बेटा, और यहाँ पर धातु ऑक्साइड आपने लिया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये धातु है ये इस H को हटा देगी और क्या बनेगा साथ में अभिक्रिया करने के बाद, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और बेटा खुद देखो यहाँ पर H2 और ये OH, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लेना, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 कर लेना, तो ये 4 H यहाँ पर हो गए, और बेटा यहाँ पर कितने हो गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हो गए। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं, 2 और 4 6 2 और 4 6। तो बेटा ये हमारे सारे मेथड थे जिसमें हमने ये देखा कि लवण को हम किस तरह बना सकते हैं, लवण को बनाने की कौन कौन सी विधि होती है। अभी हमें देखना है कि लवणों के प्रकार कौन से हैं, तो नेक्स्ट शेड्यूल को लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सॉल्ट, बेटा हमें देखना है कि लवणों के प्रकार, तो लवण जो है बेटा हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार जो है उसको बोलते हैं सामान्य लवण, सामान्य लवण। सामान्य लवण क्या है कि ऐसा लवण जिसमें जो अम्ल है उसके जितने भी हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन के आयन है, वो सारे के सारे विस्थापित कर दिए हैं धातु आयन ने, मतलब जो लवण आया है वहां पर आपको कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं मिल रहा है,
तो ऐसे लवण को मैं क्या बोलता हूँ, सामान्य लवण कहता हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा मेरे पास एक था HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया बेटा अगर मैं NaOH के साथ कराऊँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊँ, तो जो यहाँ से आपको लवण प्राप्त होगा उसको बोलते हैं NaCl, और साथ में जल मिल जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, NaCl में कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखा ना आपको, तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सामान्य लवण वो लवण होंगे कि जहां पर अम्ल के जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं या हाइड्रोजन परमाणु हैं, उन सभी का विस्थापन किसने कर दिया है, सोडियम के आयन ने कर दिया है। और जो चीज आपको मिली है, लवण जो मिला है, उसमें कोई भी हाइड्रोजन का एटम या परमाणु या आयन नहीं है। तो जहां पर हाइड्रोजन का संपूर्ण विस्थापन हो रहा है धातु के आयन द्वारा, ऐसे लवण को बेटा मैं क्या बोलता हूँ, सामान्य लवण कहता हूँ। दूसरे प्रकार का देखो, दूसरे प्रकार का जो होता है उसको बोलते हैं अम्लीय अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण कौन से होंगे, ऐसे लवण होंगे बेटा के जिनमें जो है धातु के आयन ने जो विस्थापन करा है हाइड्रोजन के आयन का, वो आंशिक रूप से करा है, सारे के सारे हाइड्रोजन के आयन का विस्थापन नहीं हुआ है। सपोज करो, एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ से अगर लूँ, मेरे पास बेटा H2SO4 है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी अभिक्रिया बेटा मैं करा रहा हूँ NaOH के साथ। अब देखो कहानी यहाँ पे क्या होती है कि ये धातु आयन है, और ये क्या है हमारा, हाइड्रोजन आयन है, तो ये इसको हटाएगा, लेकिन सारे हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, आंशिक रूप से हटाएगा। मतलब जो यहाँ से आपको लवण मिलेगा उसका नाम होगा NaHSO4, और साथ में बेटा आपको जल की प्राप्ति होगी। अब ये जो लवण है यहाँ पर देखो, अभी भी क्या है, एक हाइड्रोजन का आयन है, लेकिन यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन का आयन नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन का क्या हो रहा है, संपूर्ण रूप से विस्थापन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन का क्या हो रहा है बेटा, आंशिक रूप से विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार का जो आपको लवण प्राप्त हुआ है, ऐसे लवण को मैं क्या बोलता हूँ, अम्लीय लवण। ये लवण तो होगा, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, हमारी अम्लीय होगी, है ना। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, NaHSO4 का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या सोडियम हाइपोसल्फेट। बेटा तीसरे प्रकार का जो लवण हमारा होगा, जो लास्ट है, बिल्कुल अंतिम प्रकार है लवण का, उसको बोलते हैं क्षारीय लवण या क्षारकीय लवण। तो बेटा हमें पढ़ना है क्षारकीय लवण। देखो क्षारकीय लवण कैसा है कि आपके पास कोई एसिड है, अम्ल है, और उस अम्ल का नाम है HCl, बात समझे ध्यान से, और आपके पास एक बेस है उसका नाम है CaOH होल ट्वाइस, का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से जो आपको लवण प्राप्त होने वाला है, वो लवण बेटा ऐसा प्राप्त होगा कि उस लवण में क्या आने वाला है, उस लवण में एक हमारा बेस का क्षारक का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आने वाला है, यानी कि ऐसा लवण जो अम्ल को और क्षारक को आपस में विक्रिया करने पर प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस लवण में क्या है बेटा, उस लवण में क्या है, OH साथ में आ रहा है, हाइड्रोक्सी साथ में आ रहा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो ध्यान सुनो बात, कि जो धातु है, जो हमारा क्या था बेटा, जो समझो अम्ल है, अम्ल का जो ऋणात्मक आयन है वो क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो अगर अम्ल के ऋणात्मक आयन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है लवण में, तो ऐसे लवण को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, क्षारकीय लवण कहता हूँ। देखो यहाँ पर ये ऋणात्मक आयन कौन सा, क्लोरीन है, यहाँ पर है ये क्या है, क्लोरीन है, और इसके साथ में क्या आ गया है, इसके साथ में क्या आ गया बेटा, क्षारक का हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है। तो इस तरीके से जो मुझे लवण प्राप्त होगा बेटा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं क्षारकीय लवण, या बिल्कुल साधारण भाषा में ऐसे याद कर लो कि ऐसा लवण जिसका प्रकृति जिसकी कैसी होती है, हमारा क्षारीय क्षारकीय प्रवृत्ति होती है ना। इसका नाम ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। तो बेटा ये हमने देखा कि लवण और उसके प्रकार क्या होता है। तो बेटा आज ये भाग सेकंड यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ सजेशन है हमारे लिए, कॉमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपने सुझाव दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और हमारे चैनल को, इसका नाम है ब्लू प्रिंट डिजिटल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और बेटा आप ठीक से पढ़ते रहो। नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो भाग थर्ड में इस चैप्टर का बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनका हमारे जो उद्योग होते हैं उनमें बहुत उपयोग होता है। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।